आँख बंद करके भगवान ये मन में चलो ठीक है हो गई विश पूरी हो गई। चलो अभी फूंक मारे 1 2 3 केक पे गिरेगा साफ कौन करेगा केक पे गिरेगा। देखो ऐसी कोई चीज नहीं है कोई केक नहीं है जो मेरे लिए वेट किया अभी तो वेट कर रहे थे हम बहुत किया। चलो 1 2 3 कैसे होता है ये बहुत कमाल ऐसे नहीं करना चलो अच्छा ऊपर करके 1 2 3 वेरी गुड अभी मेरा केक अरे ये क्या किया है मैं कर रहा हूँ मैं काटूंगा नहीं मैं काटूंगा उसका बर्थडे उसको काटने दे नहीं इसमें भरोसा नहीं है काटने का संस्कार को सेलिब्रेट कर नहीं ये हटा रहा हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे कैमरे पे इट्स ओके सबको पता है कि पसंद है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये पूरा झूठ है सबसे पहला बाइट इसी को खाना है और यही खा गया है। देखो व्यूअर्स आप प्लीज इसको सीरियसली देखो कहते हैं कि गलती से किया गया माफ होता है ठीक है। ऐसा है जो जिसने केक किसी और को नहीं खिलाया सबसे पहले खुद ही खाया। देखो ये मेरी लाइफ में फिक्स्ड है मैं आज 21 इयर्स का हो गया हूँ तो और मैं इतने सालों से अपना केक जब भी कट करता हूँ तो स्टार्टिंग से मैं खुद ही खाता हूँ उसके बाद सबको खिलाता हूँ। बट आई थिंक ये अच्छी बात है मतलब पहले ऐसे लगा बट ऐसा करना चाहिए मैं भी एक बार ट्राई करके देख लूंगी। फिक्स रूल कि मैं इतने बड़े बड़े केक्स होते हैं मैं काटता हूँ सबसे पहले सब देखते हैं कौन कौन है सीधा अपने आप खा लेता हूँ। रागिनी की तरफ अगर हम नजर डालें तो देखो खाने में बिजी है केक आप लोगों ने बहुत अच्छा लाया। प्लीज आप कैमरा मुझ पर और संस्कार पर लाइए इसका बहुत ज़्यादा तेज़ से मुंह में इस आगर दाढ़ी पे लग गया है इससे वो ओह शिट इसने मेल्ट करके केक खा गया है पूरी दाढ़ी पे लग गई है केक। अच्छा हुआ इसके क्लोजेस हो गए वरना केक निकाल यार जिन्होंने पेमेंट दिया उनको तो खिलाएं थोड़ा सा। वैसे नवीन तुम्हें पता था कि लक्ष्य जो है वो रियल में इतने चटोरे हैं केक के इतने केक उन्हें इतना पसंद है। आई वॉज नॉट नोइंग दिस। वैसे हम आपको बता दें और सारे व्यूअर्स को भी बता दें कि हमारे पास नमिश के लिए एक और सरप्राइज़ है वो ये है कि आप लोग जनरली देखते होंगे कि हमारी प्यारी पूजा आपके सेट पे हमेशा ही आती जाती रहती है तो वो क्या है पूजा तुम ही रिवील कर दो या फिर हम ये बता दें कि पूजा को नमिश पे बहुत ज़्यादा क्रश है। टेली मसाला का बेस्ट गिफ्ट है जो कि नमिश आपके लिए। देखो ये आप ऑफ कैमरा बोलते तो पूरी दुनिया मुझसे नफरत करती है सारी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का है मेरा लक्ष्य सारी स्वरा को भी लक्ष्य पसंद है इसको भी मतलब कोई मुझे सुखी देखना नहीं चाहता क्या। हाँ प्लीज बस करो अब कोई ना देखेगा नहीं इसको कैमरा बंद करो। अरे पर मेरे को ये बताया नहीं यार अगर ऐसा है पूजा अच्छी बात है। नहीं? हाँ हाँ। It's okay, रागिनी। पूजा तुम्हारे पास मेरा नंबर है क्या? हाँ मुझे व्हाट्सएप करो नवीन से लेके। तो अच्छा पूजा इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? It's नमिश का बर्थडे आफ्टर ऑल, तो what you wanna say about it? मैं बस खाली इतना कहना चाहूँगी मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, isn't it? या There you go. Go on, Pooja. Go on. Come on, Pooja. मुझे लग रहा है कि नवीन को मुझसे हक करना। नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैं तो मुझे नहीं करना। मैंने आते के साथ कर लिया आपको हक, अभी नहीं पूजा ने नहीं किया था, आपको पता है जाने। Come on, Pooja. ये क्या है? गोद में उठा लो, प्रॉपर हक होता है। इसको हक नहीं बोलते हैं। इसको हक नहीं बोलते, इसको ऐसा हक होता है। प्यार प्यार से हक। मैं बताऊँ कैसे हक करना है। दो सेकंड का फुटेज होना चाहिए आँखों में आँखें डालने का। नहीं तुझे एक सेकंड, मैं और संस्कार डायरेक्ट करेंगे। ओके हम दोनों डायरेक्टर हैं। हम डेमो क्या अभी इतना अच्छा डेमो तो दिखाया नहीं नहीं, इसको हम दोनों का जो हमदर्द वाला जो सीन था ना उसमें हम दोनों ने जैसे हक किया था एग्जैक्टली वैसे वाला कर दे। एक रिहर्सल कर दे, वो तो बहुत ज्यादा हिट हुआ था ना। एक रिहर्सल करते हैं। अब मैं रेडी हूँ। देख तू अपने हिसाब से कर लेना, वो तुझे स्वरा जैसे हक तो नहीं करेगी पर यू आर द मैन। हाँ क्या बात कर रहे, पहले थोड़ा सा खिला देते हैं। अरे तुम चुप रहो। चलो अभी जल्दी। ऐसे वाला। I'm sure कि कैमरे इस वक्त हमें जो देख रही हैं लड़कियां, स्पेशली आज वो बहुत जेलस फील कर रही होंगी। सच में क्या? ये जेलस मत करना, देखो। We are good friends. Yes, yes. We're just friends. We're just friends. ऐसे हर कोई बोलता है, you know, they're just friends. I believe them. Okay, संस्कार एंड स्वरा में आपसे या हेली मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी, आज नमिश का बर्थडे है तो थोड़ी सी पोल खोल लेते हैं आज उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो फैंस अब तक नहीं जानते हैं, ऐसी कोई। भाई मैं इतना कह दूँगा कि कभी कभार सीन में ना ऐसी ज़रूरत होती कि आप कुर्सी पे बैठे तो थोड़ा उठ जाए या आगे चले जाए, तो वो उठ जाना चाहिए, इतना आलस नहीं दिखाना चाहिए। थोड़ा उठ जाओ। कई बार लेजी है आलसी, वो खुद कहता है मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मतलब। हाँ बट आई मस्ट से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है डे वन से लेकर अब तक में जो अब तक इसके अंदर जो ग्रोथ आया है इट्स रियली कमेंडेबल, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हम खुद आज बात करते हैं कि इवन सर है, विजय है, बहुत सारे लोग सब बात करते हैं। हम समझ रहे हैं आज नमिश का बर्थडे है। केक बहुत अच्छा था कि और टेली मसाला ने मेरा बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया और मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या कहूँ बट लव यू। मेरे और नवीन का सरप्राइज़ आपको कैसा लगा? मुझे नवीन और पूजा का सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा, इवन अनएक्सपेक्टेड था, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा बट नो डाउट कमेंटेबल। थैंक यू गाइस। जाते जाते ये बताइए कि क्या प्लान्स हैं आपके बर्थडे के? बर्थडे का मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ और मैं हर साल डॉगीज़ को फीड करता हूँ और इस साल आई थिंक सबने कहा मुझे कि कुछ पार्टी करनी चाहिए बट मैं जितना पार्टी में इन्वेस्ट करता वही मैं सारे डॉगीज़ को इन्वेस्ट करता हूँ। चलो वंस अगेन मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको नमिश टेली मसाला की तरफ से। वेल आई होप कि आप लोगों ने नमिश का बर्थडे हमारे साथ में खूब सेलिब्रेट किया होगा। कैमरामैन मंजीत के साथ पूजा तिवारी एंड नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।